जी बालिग होने के साल बाद तबलीग में गया तो पता चला कि गुस्ल के तरीके का, अब साल जो पहले बालिग हुआ था, एक साल पहले जो उसकी मैंने नमाज पढ़ी थी, तो उसको रोजे का क्या हुक्म है? रोजे तो मैंने एक साल की नमाजें मैंने पढ़ ली। गालिब गुमान ये आता है कि इंसान को ठीक है पता नहीं होता, लेकिन गुस्ल के कुछ ऐसे ऐसी चीज होती है कि इंसान अगर मुंह भर के पानी पी ले तो उनका कुली हो जाता है, और ऐसे नाक में पानी डाला तो सफाई भी हो जाती है। तो इसमें इतनी वो नहीं है सख्ती के फिर नमाज साल की पढ़ ले और फिर रोजे भी दोबारा रख ले। हाँ, इसने नमाजें पढ़ ली तो अच्छी बात है। अच्छा, सुबह नमाज के लिए जाता हूं तो दिल घबराता है, तो आयतुल कुर्सी पढ़। देखो, हम आमाल करें, आमाल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई साहबी आता कोई उजर है तो कहते जी तुम नमाज पढ़ो, वजीफा देते, बजाय इसके क्या किसी तावीज लिख ले यहाँ पे डाल दे बजाय, वो भी अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन खुद पढ़े तो सवाब भी मिलता है, नूर भी मिलता है, घर में बरकत भी का बायस भी बनता है। तो बंदा निकले घर से तो ये आयतुल कुर्सी पढ़े और सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं वो पढ़ ले, उसकी भी फजीलत है।